अररिया जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए जिले के एक दर्जन विशिष्ट लोगों को पहली बार जिला प्रशासन की ओर से रविवार को आयोजित भव्य समारोह में अररिया रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले इस समारोह को लेकर शनिवार देर रात तक तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिले में साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा की पहल पर गठित औरैया डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन एंड फेयर ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता समाज सेवा औद्योगिक विकास प्रशासनिक कार्यकुशलता के क्षेत्र में पिछले महीने चुने गए एक दर्जन विशिष्ट जनों को जिले का प्रतिष्ठित पुरस्कार औरैया रत्न दिया जाएगा। समारोह सोमवार सुबह 9:30 बजे से दिव्यापुर के नारायणी मंडप में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री जय कुमार जैकी व विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय सांसद रामशंकर कठेरिया, कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, राज्यसभा सदस्य गीता शाक्य, कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत, विधायक विनय शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे, भाजपा जिला अध्यक्ष राम मिश्र समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर शनिवार देर रात तक समारोह स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई। 500 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए। कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। बता दें कि पहली बार प्रतिष्ठित अवार्ड्स औरैया जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कवि अजय अंजाम, समाजसेवी राघव मिश्र, साहित्यकार व तेजस समाचार समूह के संपादक मुनीष त्रिपाठी, समाजसेवी आनंद नाथ गुप्ता, राजवर्धन शुक्ला, श्रीधर पांडे मखलू, हरिनायन त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी सदर रमेश चंद्र यादव, तहसीलदार पवन कुमार, सहायक निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह, ACMO डॉक्टर शशिरपुरी, CMS डॉक्टर प्रमोद कटियार, जिला कुष्ठ सलाहकार डॉक्टर विशाल अग्निहोत्री, शिक्षक मुनीश कुमार व रश्मि को दिया जा रहा है। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने औरैया रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले सभी लोगों को बधाइयां देते हुए कहा कि ये सम्मान औरैया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होगा। नारायणी मंडप में कल 9:30 बजे से औरैया रत्न जो दिया जाएगा उसका समारोह मनाया जाएगा यहाँ पे जी। और जो भी हमारे विनर्स हैं, इसमें करीब 14 लोग हैं जो 6 कैटेगरी में चयनित हुए हैं, हर कैटेगरी में 1-2 लोग हैं जी। और उन सभी को यह सम्मान दिया जाएगा यहाँ पे, और इस सम्मान में जो धनराशि है वो भी इनको दी जाएगी। इसके अलावा जो प्लेक है और इसके अलावा जो शील्ड हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनको उनके सम्मान में दी जाएंगी। एक साथ छोटा सा समारोह होगा जिसमें खान पान की व्यवस्था भी है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि और यह के सभी निवासी, सभी मीडिया बंधु और इसके साथ में सभी अधिकारी कर्मचारीगण जो भी आना चाहते हैं वो सब परिवार यहाँ पर आमंत्रित हैं। यह औरैया के औरैया जनपद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह औरैया को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।